Today, the third tranche of announcements which are being made is focusing on agriculture and allied activities. Agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry, and allied activities. हेलो फ्रेंड्स, सो जैसा कि वीडियो क्लिप में आपने देखा, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, दैट इज द थर्ड ट्रांच ऑफ इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 15th of May. ठीक है, देखो आपके सामने लिखा ही हुआ है कि आज का जो टॉपिक है, और आपने वीडियो क्लिप में देखा ही कि आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में. लेकिन एग्रीकल्चर में जो पॉलिसीज या जो रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है, क्या चेंजेस को लाया गया है, उसको करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर के बारे में. क्योंकि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, और स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब एग्रीकल्चर की बात की जाती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के लिए. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों एग्रीकल्चर को इस लेवल पे प्रमोट किया गया है और क्यों रिफॉर्म्स की एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़रूरत है. ठीक है, तो देखते हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्रीकल्चर के बारे में, पहले इनको ज़रा पढ़ लें. पहला पॉइंट, इट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट एंटरप्राइज. हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्राइवेट बिजनेस हैं, उन प्राइवेट बिजनेस में सबसे लार्जेस्ट अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी चाहे हम बात करें, या इन टर्म्स ऑफ हम बात करते हैं कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है. ठीक है, पहला. अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा है, उसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्पाइसेस का, पल्सेस का, मिल्क का, टी का, कैश्यू एंड जूट का. एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स. ठीक है, फर्दर इंडिया इज सेकेंड इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो एंड बनाना. ठीक है, थर्ड इन फिश प्रोडक्शन, फोर्थ इन एग, एंड फिफ्थ इन पोल्ट्री प्रोडक्शन. During 2018-19 crop year, food grain production is estimated at record of 284.95 million tons. तो ये आपको देख के समझ में आता होगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्टिव बाहर के कंट्रीज की भी बात करता हूँ, अपने ग्लोबल ट्रेड को लेकर के भी बात करता हूँ, तो इंडिया ग्लोबल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर के मामले में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लाइव स्टॉक पॉपुलेशन? कैटल, बफेलोज, पिग, ये जितने भी हम एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स को पालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग समथिंग, तो इसको पूरे को क्या कहा जाता है? इस पूरे को लाइव स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है. ठीक है, तो क्या है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 535.78 million, which translates to around 31% of world population. ठीक है, कितना workforce काम कर रहा है, तो you can see 43.21% of the total workforce is working under agriculture sector. Agriculture contributes 16.5% to GVA. अगर 1920 के stats के according बात करूँ, तो एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूशन देता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना आता है सेक्टर से, 16.5%. ठीक है, ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करूँ, तो पूरे ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट में हमारा आउटपुट कितने नंबर पे है, 7.39% पे. ऑल्सो इंडिया इज द टॉप 10th एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड. मतलब इंडिया हमेशा टॉप 10 में रहता है. ठीक है, 6 में कई चीज़ों के मामले में फर्स्ट में आते हैं, कई चीज़ों में हम सेकेंड में भी आते हैं. तो ओवरऑल देखें तो इंडिया का जो ग्लोबल आउटपुट का रैंक है वो 10th है. ये फैक्ट सुनने के बाद डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा एक सेक्टर है, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रैंकिंग्स हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा कि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है
भले ही ये फैक्ट आपको बहुत एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स लगेंगे, बट बिसाइड्स दैट एग्रीकल्चर आज भी मैं बात करूँ तो जो फार्मर्स हैं वो आज भी अपने ग्लूमी डेज से बाहर नहीं आए हैं। आज भी उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत अपलिफ्ट नहीं हुआ है। वो घंटों, हम लोग तो फिर भी 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे की मेहनत करते हैं, कभी एयर कंडीशन में, इन सब में हम मेहनत करते हैं। वो बिल्कुल गर्मी चाहे बिल्कुल ठंड चाहे बरसात जैसा भी सीजन हो, वो अपना मैक्सिमम लेवल पे कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लैंड के ऊपर। उसके बाद भी उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होती। आप ऐसा जानते हैं कि एग्रीकल्चर में कोई सर्टेनिटी नहीं है। आज मैं बीज बो रहा हूँ तो उसके बाद ज़रूरी तो नहीं है कि वो फसल बहुत अच्छी आएगी, और मैं बेचने जाऊँगा तो मुझे क्या पता कि मुझे कितने मिलेंगे। और अगर मैं असम की बात करता हूँ, असम में जो जितने बड़े बड़े टीके यार्ड्स हैं वहाँ पे आज भी फार्मर्स को जो उनकी इनकम मिलती है 3500-4000 के बीच में इनकम मिलती है, जबकि टी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है। प्रीमियम टीज इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट की जाती है, और जो टी के होलसेलर्स हैं वो इतने अमीर हैं, बट फिर भी फार्मर इतना गरीब क्यों है? तो फार्मर का स्टेटस आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर फार्मर का स्टेटस कैसा है। तो उसी स्टेटस को, इन सब फैक्ट के बाद भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, ठीक है, खाने को नहीं होता फार्मर्स के पास, अपने घर उनके पास धन के नहीं होते। तो ताकि लोग अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट अब एग्रीकल्चर की तरफ भी शिफ्ट करें, ठीक है, आफ्टर ऑल आपकी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% तो वहीं से आ रहा है, और रूरल पॉपुलेशन तो मोर देन 80% रूरल पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो ये 5 tranches अडॉप्ट किए गए इकोनॉमिक पैकेज के, उनमें जो 3rd tranche है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में फोकस करेगा, ठीक है। इसमें सारी पॉलिसीज उससे रिलेटेड है जिससे कि एग्रीकल्चर स्टेटस को और फार्मर के स्टेटस को अपलिफ्ट किया जा सके, ताकि लोग अपना इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर में दिखाएं। वरना ये सारे फैक्ट जो आज हैं हो सकता है आने वाले 5-10 साल में ना बचे, क्योंकि लोग अब एग्रीकल्चर करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो भी ये डिस्पोंडेंस है, जो भी ये इतने खराब उनके इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी वजह से, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रिवेंट करने के लिए लोगों के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, लाइक जो लोग फ्रिक्शनल मूवमेंट करते हैं कि एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में जाना, उसको रोकने के लिए काफ़ी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो आज की पॉलिसीज है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसीज के बारे में बात की है, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, क्योंकि देखो आपको पता है फील्ड्स में वो क्रॉप तो ग्रो कर लेते हैं, लेकिन उनको स्टोरेज करना, उनको मार्केट तक पहुंचाना, उनको बेच पाना, उनको डीलर से मिलवाना, होलसेलर के पास पहुंचना, मंडी तक पहुंचना, एक अच्छा प्राइस मिलना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो पहले में सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को एक्सप्लेन किया निर्मला सीतारमन ने, कि सिर्फ किस तरीके से इनको चेंज किया जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में, दूसरा जो उसका पार्ट है, उसमें डिस्कस किया गया है क्या क्या रिफॉर्म्स, मतलब क्या क्या स्टेप्स और इनिशिएट किए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, ताकि फार्मर के लिए एग्रीकल्चर अब एक प्रॉफिटेबल वेंचर प्रूफ हो सके। सो लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉलिसीज जो है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन और दूसरा रिफॉर्म्स। तो पहले हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट ने 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज अनाउंस किया है फॉर फार्म गेट्स, ठीक है। फार्म गेट्स का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने अभी आपसे कहा, आपने प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन प्रोडक्शन के बाद इसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना होता है। स्टोरेज हो गया, वेयर हाउसिंग का जो काम किया जाता है, उसके बाद पैकेजिंग का काम हो गया, ग्रेडिंग का काम हो गया, ब्रांडिंग का काम हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो अपना इंटरेस्ट दिखाया वो वहीं पे दिखाया, क्योंकि लाखों टन्स में हर साल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बर्बाद हो जाते हैं। रीज़न क्योंकि उनकी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं। मतलब आप ये सोचो, एक तरफ हमारी कंट्री में लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे हर साल लाखों टन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बर्बाद हो रहे हैं। तो कितनी आयरनी वाली बात है ये। सो जस्ट टू रिमूव दैट हिंड्रेंस, गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोरेज को इम्प्रूव करने की बात करी। गवर्नमेंट ने ये कहा कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर गेट पे पैसा खर्च किया जाएगा। इसका मेन कंसर्न क्या होगा? जिसका मेन कंसर्न होगा कि जो फार्मर ने
वीट को या किसी भी क्रॉप को ग्रो कर लिया, उनको स्टोरेज से लेकर के फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने का जितना भी स्टेजेस होती है उन सबको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि फसलों का नुकसान ना हो, मिनिमम से मिनिमम नुकसान हो और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर पाए जितने भी फार्मर्स हैं। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है ₹10,000 करोड़ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। अभी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस क्या है? माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड के अंदर इंडिया फूड प्रोसेसिंग के मामले में ऑलमोस्ट 70% का अपने पास कैपेबिलिटी रखता है। तो जो फूड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, छोटे मोटे एंटरप्राइजेस होते हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा है, गवर्नमेंट ने क्लस्टर सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्लस्टर आप समझते हैं, क्लस्टर मीन्स छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फार्मर्स को मोटिवेट करेगी, उनको इम्प्रूव करेगी, उनके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगी कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड को, भाई हमने कहा था ना वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, तो उनको कैसे होगा, आज उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे नहीं जा पाते, वो ग्रो करते बट नहीं जा पाते। रीज़न क्या है, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, राइट? क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो वो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। वो स्टैंडर्डाइजेशन कब होगी, जब टेक्निक होगी, वो टेक्निक कब होगी, जब उतना पैसा होगा, ठीक है, और पैसा नहीं होगा तो ये सब चीज़ें वहीं पे लोकल तक रह जाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ₹10,000 करोड़ की स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें गवर्नमेंट क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को लेगी। अब क्लस्टर कैसे काम करेगा, वो जो भी स्टेट है जिस स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट माना जाता है, न्यूट्रिशन वाला माना जाता है, इन सारी चीज़ों को उसमें देखा जाएगा। जैसे बिहार में मखाना एक डिश है, एक मतलब आप कह सकते हो स्नैक्स के तौर पे खाया जाता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्शन के ऊपर वहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट करेगी। यूपी से सबसे ज़्यादा मैंगो है तो मैंगो को वहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बैम्बू शूट्स होते हैं जो कि बहुत न्यूट्रिशनिस्ट माने जाते हैं। तो मतलब आप समझो, जो जिस स्टेट में स्पेशलाइज है, मतलब जो स्टेट जिस क्रॉप में स्पेशलाइज है, गवर्नमेंट ने कहा है आपको उसी पर्टिकुलर को अपना क्लस्टर लेके चलना है, ठीक है। जैसे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहाँ पे सैफ्रन हो गया, तो उसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेगी, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन दिया जाएगा जिससे कि जो इनके फूड हैं वो किसको टारगेट कर सके, वो मीट कर सके, FSSAI, आपको पता होगा दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हमारा होता है ना कि हम बात करते हैं गोल्ड की तो हॉलमार्क की बात करते हैं, है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में हम एगमार्क की बात करते हैं, तो फूड इंडस्ट्री के लिए हम बात करते हैं FSSAI की ऑथेंटिकेशन की, लाइसेंसिंग की, ठीक है। तो इसके लेवल पे, इसके बेंचमार्क को मीट करने के लिए इनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कि गवर्नमेंट ने कहा है जिससे कि कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एटलीस्ट 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को इससे बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने फिशरमैन, मैंने प्रीवियस वाले ट्रांच के अंदर समझाया था आपको, प्रीवियस ट्रांच में, कि जो हमारा कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब लैंड एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं हो सकता, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लोग एक्वा कल्चर करेंगे, फिशिंग के अंदर ज़्यादा जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कितने रुपीज़ का प्रोविजन निकाला है, ₹20,000 करोड़ का प्रोविजन उनके लिए निकाला गया है। अब क्यों, देखो ऐसा होता है कि फिशिंग भी पूरे थ्रू आउट द ईयर तो चलता नहीं है, 2-3-4 महीने का सीज़न होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो मना कर दिया जाता है समुद्र में जाने को, मछलियाँ पकड़ने को, लेकिन उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, उनका जो लोन है, उनका जो खाना है, वो सब तो चल ही रहा है ना, तो उस टाइम के लिए प्रोविजन निकाला गया है, तो उनको प्रमोट भी किया जाएगा प्लस ऐसे डेज में उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 100% वैक्सीनेशन टू कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग, टोटल 53 करोड़ एनिमल्स फॉर फूट एंड माउथ डिजीजेस विद एन आउटले ऑफ 13343 करोड़। क्या मतलब है इसका, देखो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं जो लोग जुड़े हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री से, तो एनिमल्स का कहीं पे भी घूमना, कहीं पे भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, इससे फूट और माउथ डिसीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
ना केवल जानवरों में जबकि जो इनके मालिक होते हैं उनमें भी, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां उस फूड के थ्रू या उनके थ्रू प्रोसेस्ड किसी भी मटेरियल से, किसी भी जो हम ऑब्टेन करते हैं आइटम, उससे हम तक भी पहुँच जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है, और उनकी फिर प्रीमेच्योर डेथ भी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट विल स्पेंड 13,343 करोड़ ताकि 100% वैक्सीनेशन दी जा सके इन एनिमल्स को, सो दैट इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट जो है हमें वो भी हार्मफुल ना हो, प्लस जितने भी इसको इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंगेज हैं फार्मर्स, उनको भी किसी तरह की हेल्थ इश्यूज ना हो। तो ये चार पॉलिसीज हैं जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में मिली हुई हैं। बाकी मैंने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर में 8 पॉलिसीज हैं, बाकी की बात करते हैं। 6, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड विल गेट 4,000 करोड़ प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन बाय इंक्लूडिंग 1,00,000 हेक्टेयर लैंड, राइट। अब ये क्या है, देखो एक हमारा बोर्ड है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये बोर्ड का काम क्या है, इस बोर्ड का मेजर काम है हर्ब्स को ग्रो करना, ठीक है, जिनसे कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेडिसिन बनाई जा सके। आपको पता होगा अगर मैं इंडियन सिस्टम्स की बात करता हूँ और इंडिया के ट्रेडिशनल की बात करता हूँ, इंडिया के ट्रेडिशंस की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि हमारे में आयुर्वेदा को पहले से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है, ठीक है। वो तो अब आजकल हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हम आज भी गांव वगैरह में जाते हैं तो वो आज भी बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं और वो कि बहुत इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो जो ये बोर्ड है इसका काम ही है ऐसे हर्ब्स को ग्रो करना जिससे कि हर्बल मेडिसिन वगैरह बनाई जा सके। तो इनको हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए और पैसा दिया जाएगा और मनी ग्रांट की जाएगी ताकि आयुर्वेदा, जो कि आयुष, आपको पता होगा इंडिया ने अपना एक 6 सिस्टम ऑफ मेडिसिन ग्रो कर रखा है, आयुष, दैट इज ए आपका आयुर्वेदिक, वाई आपका योगा, यू आपका यूनानी, एस आपका सिद्धा और एच आपका होम्योपैथी, इसमें एक और इंक्लूडेड एन दैट इज नेचुरोपैथी। तो ये 6 सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके बेसिस पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसके बेसिस पर ट्रीटमेंट करता है। तो इसके लिए हर्ब्स की जरूरत होती है, तो उन्हीं हर्ब्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाएगा, 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ में जो भी आपको पता है कि जो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ये लोग वैली के तौर पे प्लांटिंग करना शुरू करेंगे, जैसे कि एक बैंक पे गंगा के और दूसरे गंगा के बैंक पे कुछ एरिया अलॉट किया जाएगा और क्या किया जाएगा वहाँ पे बिल्कुल वैली के फॉर्म में, मतलब कॉलोनी के फॉर्म में क्या की जाएगी, हर्बल मेडिसिन की, हर्बल प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा, ठीक है। जिससे कि ये कहा गया कि ये अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ रुपये तक की इनकम जो है फार्मर्स को जनरेट करके देगा, वो फार्मर्स जो हर्बल मेडिसिन या हर्बल प्लांट्स केस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्कीम्स फॉर इनिशिएटेड फॉर बी कीपिंग एक्टिविटीज, हालांकि ये अमाउंट हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अगर हम लैक्स ऑफ करोड़ की बात कर रहे हैं तो उसमें ये अमाउंट बहुत कम है, बट स्टिल इट इज सो सिग्निफिकेंट क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइप के बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, मतलब आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक इशू बन चुका है कि बी कीपिंग को कैसे और प्रमोट किया जाए, क्योंकि कोई भी ऑब्वियसली बात है इन सब फील्ड्स में आज की डेट में कोई भी नहीं जाना चाहता। तो गवर्नमेंट ने कहा है बी कीपर्स को कि भाई 500 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाएगा ताकि बी कीपिंग की एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके। ऑल्सो जो वैक्स हम इम्पोर्ट करते थे आज तक, इंडिया जो भी वैक्स इम्पोर्ट करता था फॉरन के देशों से, चाहे वो एडिबल था चाहे वो किसी भी फॉर्म में था, उसको स्टॉप किया जाएगा और इंडिया अपने कंट्री में ही जो वैक्स है वो इन्हीं बी के जो हनी कॉम्स है उनमें से कलेक्ट करेगा, क्योंकि अपने आप में एक और फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। नाउ इट इज स्टॉप टू टोटल दैट इज फॉर ₹50 करोड़, ओके। नाउ व्हाट इज सॉरी इज फॉर 500 करोड़ एज वेल, तो टॉप टू टोटल, नाउ व्हाट इज टॉप टू टोटल आपको अभी पता चल जाएगा इस पॉइंट से। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चला रही थी जिसमें गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम आपको MSP देंगे, मतलब कि अगर आप टॉप मीन्स टमाटोज, अनियन एंड पटेटोज का जो भी ग्रो करते थे वो नहीं बिकता था तो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती थी।
इसको एक्सटेंड करके अब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि फार्मर को अपने नुकसान के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट उनसे हर तरीके की जो फसल होगी खरीद देगी। पहले ये कन्फाइन था सिर्फ टॉप तक, टॉप मीन्स टमाटोज, अनियन एंड पोटैटोज, ठीक है। साथ में ये भी कहा है कि जो फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम किस चीज़ की, आपको पता है कि जो ये सिनेरियो हुआ इसके वजह से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस फार्मर हुआ, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनके बीच में हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में हुआ। क्या होता है, प्रॉब्लम आ गई डिस्ट्रेस सेल की। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस सेल, अब फार्मर को बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया गया, ना वो अपने गांव से शहरों तक पहुंच पाए, ना वो अपनी फसलों को बेच पाए, ना वो मंडी तक पहुंच पाए, तो सस्ते से सस्ते रेट पे उनको जो भी अवेलेबिलिटी मिली, जो भी रिसोर्सेज मिले, जहाँ से पैसा आया उन्होंने उन्हीं को बेच दिया। तो इस तरह की चीज दोबारा ना हो, डिस्ट्रेस सेल दोबारा ना हो, उसी के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% की सब्सिडी दी है और साथ में दी है स्टोरेज की भी, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे आप मार्केट एक्सेस नहीं कर पाते, कुछ टाइम के लिए आपको अपनी फसल को स्टोर करना है ताकि एक अच्छा प्राइस आने तक का वेट कर सको, गवर्नमेंट ने उसमें स्टोरेज फैसिलिटीज में भी 50% का सब्सिडी प्रोवाइड किया है, ठीक है, ताकि कंट्री में डिस्ट्रेस सेल रुक सके। रिपीट करो, डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है जब आप किसी भी प्रेशर में कि आपका सामान खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा उसके चक्कर में आप बेच देते हो सामान को। अब जो रिफॉर्म्स मैंने आपसे कहा था 8 थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या फिर आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन, बाकी गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, ये गेम चेंजर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो सबसे पहला एसेंशियल कमोडिटी है, ये क्या है, 1955 में स्केयरसिटी ना होने की वजह से, स्केयरसिटी के डर की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पास किया गया था। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ जो भी मान लो क्रॉप्स हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज में रखा जाएगा, उनकी होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ें नहीं होंगी, उनको सिर्फ इतनी ही क्वान्टिटी में बनाया जाएगा। अब इसको हटा दिया गया है, मतलब ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियन, टमाटोज, पोटैटोज, इसको किससे हटा दिया गया है, इसको असेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया गया है, जिससे कि फार्मर जितनी मर्जी चाहे क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करके पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो अभी तक फार्मर्स नहीं कर पाते थे क्योंकि इन पे ईसी एक्ट लगा हुआ था, जिसकी वजह से एक लिमिट थी कि आप मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हो ताकि होर्डिंग ना हो जाए। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा ताकि फार्मर जितना मन चाहे प्रोड्यूस करके पैसा कमा सके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद APMC, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, ये कमिटीज थी। अभी तक देखो आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं अगर एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं इसी को पढ़ाऊंगा, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली आप एक सेलर हो जो कि से मान लो ये वॉचेस बेच रहा है, तो आपको भी कोई लिमिट नहीं थी कि तुम इसको बेचोगे, उसको नहीं बेचोगे, इसको नहीं बेचोगे, कोई ऐसा नहीं था। बट एग्रीकल्चर के केस में ऐसा है, ऐसा था आप कह सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर के केस में ये था कि भाई APMC कमेटी है जो हर स्टेट की कमेटी थी, ठीक है, इस कमेटी के अंदर कुछ लाइसेंस एजेंट होते थे मंडीज के अंदर, ठीक है, तो फार्मर्स वर कंपेल्ड टू सेल देयर आउटपुट टू दोज एजेंट्स ओनली, कि तुम सिर्फ इन्हीं एजेंट्स को अपना आउटपुट बेचोगे। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम उनको कन्फाइंड कर दोगे कि तुम सिर्फ इन्हीं लोगों को अपना आउटपुट बेचोगे तो वो तो एक्सप्लॉइट ही करेगा, क्योंकि उसको पता है किसी और को बेच सकता नहीं। तो फार्मर को एक अच्छा प्राइस अपनी फसल के लिए नहीं मिल पाता था, तो गवर्नमेंट ने APMC के अंदर चेंजेस आए हैं और फार्मर से ये कहा है कि वो एक सेंट्रल लॉ को पास करने वाले हैं जिससे कि आप अपने सामान को, जो आपका प्रोडक्ट जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसको कहीं भी ले जाके बेच सकते हो, इंडिया के किसी कोने में ले जा करके बेच सकते हो, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, जहां आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा आप बेच सकते हो। इससे फार्मर को बहुत बेनिफिट है क्योंकि उसके पास अब एक जो इतनी सी मार्केट थी, इतनी सी वो इतनी वास्ट हो गई, राइट, पहले उसको एक्सप्लॉयटेशन हुआ था क्योंकि ये बंदा को पता था कि भाई ये तो स्कीम बेचेगा, इतने में ही ले लूँगा मैं, तो इतना इसको प्रेशर कर दूंगा तो डिस्ट्रेस सेल हो जाती थी। अब फार्मर के लिए विजन को बिल्कुल
बढ़ा दिया गया है, वो कहीं भी ले जाके अपने आउटपुट को बेच सकता है और एक अच्छा प्राइस जिसका वो वेट कर रखा करता है वो ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है अगर ये बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई भी हो जाता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क सेट किया। फ्रेमवर्क क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने कहा, पहले ही हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लिया कि एग्रीकल्चर वैसे ही बहुत बड़ा रिस्की वेंचर है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है, पता नहीं मानसून कैसा होगा, डाउनपोर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो दिक्कत, बहुत कम बारिश हो जाए तो दिक्कत, ठीक है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स नहीं मिले तो दिक्कत, तो बहुत सारी दिक्कतें जो फार्मर्स को झेलनी पड़ती है जिनकी वजह से उनका इकोनॉमिक स्टेटस आपको और मुझे दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, ये तीन रिफॉर्म्स तो एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जितने अच्छे तरीके से बताए गए हैं उसी तरीके से अडॉप्ट किए गए तो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिस्क को एलिमिनेट कर दिया एग्रीकल्चर से। अब ऐसा कैसे किया, एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स फार्मर विल गेट द आइडिया दैट व्हाट द प्राइस विल ही गेट आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, मतलब बीज को बोते समय ही गवर्नमेंट फार्मर की डील बड़े बड़े एजेंट से, कॉन्ट्रैक्टर से, जो भी उसके एग्रीगेटर्स हैं उनसे करवा देगी जिससे कि फार्मर को पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे को ये प्रोडक्शन डबने के बाद इतना पैसा मिलने वाला है तो उसको एक इनकम की सर्टेनिटी हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपको कहीं से ऑर्डर आता है कि मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, आप पहले ही कोट कर देते हो ना कि भाई इतने यूनिट्स हैं, एक यूनिट का इतना लूंगा, तो भाई 1,00,000 यूनिट का मैं इतना लूंगा, 50% तो मुझे एडवांस दे दो, है ना। तो आपका रिस्क वैसे ही 50% तो कम हो गया, अगर उसने नहीं भी लिया तो 50% ही तो आया ना, लेकिन फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी तरह की सर्टेनिटी को लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट कह रही है कि एक फ्रेमवर्क सेट किया जाएगा जिसमें फार्मर को उसके प्रोडक्ट का प्राइस जब वो प्रोडक्ट मतलब बीज बो रहा होगा तब ही पता चल जाएगा। गवर्नमेंट बिग ट्रेडर के साथ, प्रोसेसर्स के साथ, एग्रीगेटर्स के साथ उनकी मीटिंग्स कराएगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कराएगी जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, रिटर्न्स एश्योर किए जा सके और स्टैंडर्डाइजेशन कराई जा सके प्रोडक्ट्स के बारे में ताकि फार्मर को एक प्री डिटरमिंड इनकम मिल सके कि हाँ इस फसल को ग्रो करने के बाद इतनी इनकम मुझे दिख रही है। सो फ्रेंड, इस तरीके से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है, राइट। नेक्स्ट ट्रांच में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या मतलब न्यू हॉराइजन्स टू ग्रोथ, वो नेक्स्ट ट्रांच है हमारा जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंडिया को मेक इन इंडिया, जो हमने पढ़ा था मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस लेके आने वाली है। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले एक डेटा है पार्ट 3 का, आप जरा इसे जरूर चेक कर लें। फर्स्ट, फूड एंटरप्राइज से कितना खर्चा किया गया है, 10,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे कितना खर्चा गया है, 20,000 करोड़ का। टॉप टू टोटल पे खर्चा कितना है, 500 करोड़ का। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे कितना खर्चा है, 1,00,000 करोड़ का। एनिमल हस्बेंड्री पे खर्चा कितना किया गया है, 15,000 करोड़ का। हर्बल कल्टिवेशन के लिए कितना दिया गया था, 4,000 करोड़। बी कीपिंग 500 करोड़। तो ये खर्चे हमने अभी डिस्कशन किए थे, यही खर्चे हैं आपके सामने। तो टोटल कितना आता है, 1,50,000। तो अगर जो ट्रांच 3 अभी तक हमने पढ़े उन ट्रांच की बात करें तो पहले ट्रांच का टोटल कितना था, 5,94,550। ट्रांच 2 का टोटल कितना था, 3,10,000। बात करता हूँ थर्ड ट्रांच, अभी हमने पढ़ा कितना है, 1,50,000। बाय एडिंग ऑल दीज व्हाट वी विल गेट, दैट इज 10,54,550 करोड़। तो सो फार तीन ट्रांच में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट अपना 50% स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर चुकी है। नेक्स्ट 2 ट्रांच में हम बात करेंगे रेस्ट जो अमाउंट है उनके बारे में, राइट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।